अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे अगर आपके पास दो दो गाड़ी लगी हुई है और दो आदमी या तीन आदमी काम करने वाले हैं और आप एसटीपी पंप या कोई भी पंप से फॉर्म उड़ाना सोच रहे हो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम पास होने वाला है। इसलिए अगर आपको स्पीड में काम करना है तो आपको फॉर्म टैंक लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर पानी बंद करो और अपना फॉर्म का गन लगाओ और उड़ाओ, और उससे भी इतना अच्छा फॉर्म निकलता नहीं है जिस तरह से फॉर्म टैंक का फॉर्म निकलता है। और तो आपको पता ही है, आप मेरा बाकी वीडियो देखते रहेंगे तो। अभी देखो 7-8 का ऑर्डर मिला है, ये सब बना के रखा हुआ है, जैसे उसका फाइनल पेमेंट आएगा तो मैं डाल दूंगा। ये झारखंड का कोई बंदा है, उसने ऑर्डर किया हुआ है। और अभी देखो, अभी एक रेडी किया है, ये जाने वाला है उड़ीसा, ये बड़े वाला। और अभी जब ये फॉर्म उड़ेंगे तो आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह से फॉर्म निकलता है। देखो कितनी स्पीड में काम होगा आपका। अगर आप अकेले करते हैं तो ठीक है, ज़्यादा काम नहीं तो आप एसटीपी से भी फॉर्मिंग कर सकते हैं, बाकी जो भी पंप आते हैं उससे फॉर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो तीन आदमी काम के लिए है तो आपको फॉर्म टैंक लेना ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब अगर आपको स्पीड में काम करना रहेगा तब ज़रूरी है, नहीं तो फिर बदलते रहो, नोजल निकालो, गन लगाओ और उड़ाओ। बाकी अगर ऐसा आपको स्पीड चाहिए तो आपको फॉर्म टैंक लेना ही पड़ेगा।